बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो इतनी जेनरोसिटी और इस कदर मुझे लगा कि मैं मेरा ख्याल है थोड़ी देर में इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज प्लीज हैव अ सीट। मुझे ये लगता है कि एक तो जो वैसे तो मेरे शो में तकरीबन सभी लोग जो आए हैं दोस्त भी हैं, दे लाइक टैलेंटेड पीपल, बट बिकॉज आई एम योर फैन ऑल्सो, आई हैव वर्क्ड इन, इसने मुझे सिर्फ एक प्ले में कभी जिंदगी में कास्ट किया है, वो भी भूल गए, पानी जैसा प्यार। दूसरा सोच रहा मैंने भी किया था, लेकिन नहीं बहुत मजा आता है। हम काम देखते रहते हैं, वो तो काम करना एक साथ एक अलग बात है, बट आई मीन आई लव योर वर्क एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, एज एन एक्टर, आई लव मंटो एंड आई लव एवरीथिंग दैट यू हैव डन माशाल्लाह, लाइक हम सफर, पानी जैसा प्यार एंड सो मच मोर सर, मत सो मच मोर। सो अब ईमान को भी वेलकम। ईमान पहले कभी इंटरव्यू दिया डिटेल में बैठ के? एक दफा, मुझे शौक नहीं है इंटरव्यूज देने का, लेकिन जिंदगी तमाशा के लिए आई थिंक थोड़ा फिल्म के लिए, फिल्म के लिए नहीं, फिल्म तो इतनी अच्छी है कि आई वुड, हां नहीं, बट थोड़ा सा उसके, यू हैव टू टॉक अबाउट द फिल्म ना, व्हाटएवर यू डन यू वांट टू टॉक अबाउट इट। अच्छा जनाब, जिंदगी तमाशा एक फिल्म आ रही है। अच्छा मुझे देखने में ये लगा कि बहुत कमर्शियल मूवी नहीं है और कोई मैसेज है उसमें, बहुत डीपर मैसेज है, क्योंकि सरमत कोई काम ऐसे नहीं बस उठा के कर देता, सोचता रहता है, फिर उसके ऊपर ध्यान देता रहता है, फिर गौर करेगा, फिर उसको बनाएगा। तो जो बीच में इतनी ऑफर्स होती, समझ, यू कुड हैव बीन वन ऑफ द यू नो मोस्ट बिजीएस्ट डायरेक्टर एंड एक्टर, बट यू ऑप्टेड फॉर नॉट डूइंग दैट। आई थिंक बिजी पार्ट इज स्टिल ट्रू, आई एम वेरी बिजी। ओके, मिंटिंग बनी, चलो मिंटिंग बनी कहते हैं अपने, यू स्टिल मिंटिंग बनी, से दैट आई डोंट नो, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट मिंटिंग मनी बट हैविंग इनफ मनी, एंड आई थिंक सिर्फ आपके अपने जिंदगी के खर्चों के लिए नहीं, फॉर वर्क आल्सो, लाइक हमारा काम एक एक्सपेंसिव काम है, मतलब इट्स नॉट चीप और लाइक यू नो सस्ती काम वाली कोई लाइन नहीं है, हो ही नहीं सकता। सो नो अगेन एज एन, आई थिंक आप जिंदगी में बहुत सी डिसीजंस कभी कभार बहुत सोच के लेते हैं और कुछ चीज़ें फिर ऑर्गेनिकली होती रहती हैं जो यूनिवर्स जैसे काम कर रहा होता है। बस मुझे एक चीज़ अपने पता है कि जब एक काम आपका हिट हो जाता है तो उससे आपका फेलियर का खौफ बढ़ जाता है, दैट आई थिंक वो मैंने उसको ना बहुत अपने बस ईमान के साथ जोड़ के रखा हुआ है कि नहीं, आपको फेलियर के खौफ से एक्सपेरिमेंट करना नहीं रोकना। हमसफर आया, हमसफर के बाद फ्लॉप ड्रामे भी आए, फिर मंटो आई, मंटो के बाद भी मतलब ऊपर नीचे इतना रहा करियर में, सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई हैव स्टेड वेरी सॉर्ट ऑफ फर्म अबाउट। फ्लॉप की क्या डेफिनेशन है सर? व्हेन पीपल, अब हमारे पीपल डोंट गो एंड वॉच इट और पीपल डोंट लाइक इट और पीपल डू नॉट, आई मीन इट डजंट गेट यू द टीआरपीज, बट पर्सनली वही कि आप फेलियर के बारे में शायद उस वक्त, हाँ आम इंसान हूँ मैं दुखी भी होता हूँ, डिप्रेस भी होऊंगा उसके बारे में, but I think after a while then you realize कि नहीं उस journey का कुछ अपना काम था आपके लिए, you know वो जो experience आप जो gain करते हैं और जो आप अपना एक अपना thought जो आप डाल देते हैं किसी चीज़ में, तो उससे मोहब्बत तो उतनी ही होती है जितनी किसी एक बहुत popular चीज़ से। और अगर आपने अच्छी साफ नीयत से कुछ बनाया हुआ है तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ आपको पर्सनली या फाइनेंशियली समटाइम्स या वैसे कुछ ना कुछ देता जरूर है। तो आई थिंक no and I don't believe in that line ke commercial or non commercial kya hota hai, acha bura hota hai, sahi responsible irresponsible hota hai, yes. But I don't know, I mean wohi baat ke aur phir hame bahut aadat pad gayi hai oranges and apples ka comparison karne ki, right? Yes. Ab wohi ke matlab at one point you do something as significant and you know important as Udari, but I can't compare it to your talk show. Yeah, you cannot, of course, right? It's yeah. too it's yeah. and it's not even ke good or bad or better or worse, yeah. It's an apple and yeah. an orange. Yeah, yeah. So a lot of things that I've done, I think, well, Hamsafar or Manto, I don't think it's just a journey for me from there to there. But it can't be compared with each other. It's just Definitely. That I think I was free enough to experiment. Definitely. Where did you spot her? ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे के ऊपर बहुत मैंने ना वो रखा हुआ था. अच्छा, बहुत देर से. इसलिए कि जो कुछ लोग होता है, एक तो वही सोशल मीडिया या जो भी आप कह लीजिए उस पे, it's a visual medium usually. So I mean initially I would say this kind of exceptionally beautiful yet like a very interesting face, because a conventional na iska sense of style or fashion tha, plus
उसके बाद मैंने कहीं इंटेलिजेंट भी है वही कह रहे फाकन वो जो नहीं होता आप स्क्रॉल करते हो फिर आप पढ़ लेते हैं मैंने कहा ये बच्चा तो बहुत दिमाग भी इस्तेमाल करता है और बड़ा ये बड़ा जरूरी सरमद लाइक्स वेरी इंटेलिजेंट पीपल ये ही कांट ही कैन नॉट इंटरैक्ट विद नॉर्मल लोगों से दोस्ती नहीं करता मुझे मैं कोई ऐसे को नहीं नहीं है इट्स नेचुरली यू नो इट्स नेचुरल यू डोंट नो दैट यू नो दैट मैं तो बहुत बेवकूफ हूं मेरी बेवकूफी और मजाक और फजूल बातें करना बहुत अच्छा लगता है So that's where I spotted her. Then वो एक आखिरी स्टेशन था एक ड्रामा आपने भी कश्यप के साथ काम किया तो वो कश्यप का प्रोजेक्ट था उसमें सात खवातीन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसके एक रोल के लिए आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर मैंने कहा नहीं आई साथ में ना एक ensemble मजे का हो So I just had Nimra Bucha and Sanam Sai. Okay. So what you say, वो जो स्टार कास्ट जिसको बाकी देन आई वॉज लाइक लेट्स फाइंड पीपल Okay, lovely. That's how I then You know, and you always do that. मतलब एक नई चीज़ और सामने एक नया experiment. लोगों में भी you do that. Yeah. How was it when he offered you a project? How कैसा लगा कि वे film offer कर रहे और character भी बड़ा जबरदस्त है उसमें. It was something new for me. तो मैंने कहा मैंने try तो करना and then obviously it was Sarmad Khusert. I had heard the name. I knew about him. तो मैंने ऑडिशन तो भेज दिया इन्होंने बुला तो लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा पहला रोल मुझे एक इन्होंने बच्चा पकड़ा दिया एक अदर अब्यूसिव हस्बैंड साथ में उसके साथ अंदरून शहर में लाहौर की गर्मी में हमने शूट किया आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस बिल्कुल भी नहीं और मैं बस उससे पहले जरा मॉडलिंग शॉटिंग की हुई थी ना काफी जरा बड़ा उसमें आराम होता है गए कपड़े वपड़े पहने आराम नहीं होता नहीं अच्छा एक दिन में 25 जोड़े मुश्किल काम होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता इतना मुश्किल नहीं होता इतना मुश्किल नहीं होता ऊपर से मेरा जो किरदार था वो इतना लाइक आई थिंक मेंटली काफी भारी पड़ा था मेरे पर तो मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी बट दैट क्वालिटी लाइक एन एक्टर हु बिलीव्स इन डूइंग थिंकिंग एंड मेंटल वर्क वो इसकी क्वालिटी एज अ मॉडल भी इसकी तस्वीरों में वो हालांकि इट्स वन एक्सप्रेशन इट्स वन शॉट राइट बट वहां पे वो जिसको कुछ डेप्थ है ना इसके अंदर सो वो बट अब मैं इसका कभी कभी मैं चूंकि अब बड़ा हूँ उससे तो मैं मजाक में अपनी बुजुर्गी का फायदा उठा के मैं कहता हूँ इसका लैक ऑफ स्किल और एक्सपीरियंस जो है ना वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये हर दफा मतलब नॉट इवन लाइक प्रोजेक्ट वाइज ये हर टेक में कुछ नया कर रही होती है व्हिच मींस कि यू नो शी हैज दैट इंटरेस्टिंग मैकेनिकल नहीं कर करके और टिपिकल नहीं हो गया प्रेडिक्टेबल नहीं है बिकॉज़ ट्रेन्ड एक्टर नहीं है हम में से बहुत कम लोग हैं बट इधर वही की ट्रेनिंग नहीं होना और फिर स्किल डेवलप करने के लिए आपको टाइम टाइम चाहिए समटाइम्स आई डू फील कि एक्टर और आर्टिस्ट की स्किल इनबॉर्न होती है उसको पॉलिश आप कर सकते हैं लेकिन वो इतनी एक्सरसाइज ना हो जाए कि आप फिर अपनी टाइप खुद ही बन जाए टिपिकल यू नो यस ट्रू आई एग्री विद दिस ये इसका कमाल है एक जबरदस्त है अच्छा कहाँ से आई हो और मतलब ये फील्ड में क्यों आई हो ये बताओ घर से मतलब किस तरह इस्लामाबाद में पली बड़ी थी मैं बीएनयू बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर पढ़ने आई थी तो इस्लामाबाद में थोड़ा सा मॉडलिंग का काम किया हुआ था लेकिन इतना स्कोप नहीं है फैशन का उधर तो फहद हुसैन एक डिज़ाइनर उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में देखा था तो दो साल तो मैंने की नहीं क्योंकि मुझे था कि मैं पढ़ाई करने आई हूँ क्योंकि मैंने तीन साल ऑफ लिए थे बिकॉज आई डिडंट हैव मनी टू स्टडी तो मुझे था कि पहले मैं आऊँ अपनी अब आ गई हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँ लेकिन फिर मेरे पास फीसें बढ़ती गई पैसे ख़त्म हो गए तो फिर आई हैड अ फ्रेंड इन द इंडस्ट्री तो उसने कहा करो तो यू नो यू विल मेक मनी एक पॉकेट मनी निकल आता है फी आपकी निकल आती है चीजें जी बिल्कुल तो फिर मैंने शुरू की वाज इजी टू गेट इनटू इट लाइक वाज इट आई थिंक आई गॉट लकी ओके ओके लवली इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट ठीक है ठीक है बाल शेव करा ली बट इट वाज इजी टू गेट इन बाल की शेव कराए बस ऐसे ही बस टिंट देखनी थी कैसी है देखनी चाहिए हर इंसान को तो मुझे हमारी टिंट मुझे तो नजर आने लगी मुझे नहीं देखनी भाई सॉरी थैंक यू अपनी नजर आने लगी खराब भी हो गए थे बाल सही ओके ओके अच्छा सो टेल मी अबाउट द फिल्म नाउ कब लग रही है बस ये इंशाल्लाह 21st 24th राइट 24th व्हाट आर वी लाइक गेटिंग रेडी फॉर क्या देखने जा रहे हैं हम फिल्म में ऐसा अगेन वही मुझे लगता है कि चले हम इसमें बड़ी गुरूर की बात होती है कि खुद को आर्टिस्ट भी कहना मगर अब मैंने कहा चलो यार इतना अरसा हो गया है तो चाहे बुरा अच्छा जैसा भी कर रहा हूँ है तो आर्ट्स का फील्ड तो एक आर्टिस्ट होते हुए मुझे लगता है मेरा काम है अपना काम करना उसके बारे में वजाहतें देना उसके बारे में आई थिंक दैट्स नॉट माई जॉब मुझे अपनी एनर्जी उस काम में लगानी है बट इन अ नटशेल अगर मैं बगैर गिला किए कहूँ कि 150 साल तकरीबन हो गया सिनेमा को ईजाद हुए आज भी अगर हम सिर्फ इतनी बेसिक बातें बहस करते हैं कि
फिल्म बस ऐसी होती है. हर चीज में जिद्दत होगी ना, कपड़े में चाहिए, खाने में चाहिए, गाड़ी में चाहिए, हर साल फोन का नया मॉडल चाहिए. हमें फिल्म के साथ क्यों नथी कर लिया कि ये चार लवाजमात होते हैं तो वो फिल्म कमर्शियल होती है. मुझे लगता है हम बार बार कह कह के भी उसको और उसको राइट ज़हनों में. और मैं कतन उससे ये नहीं कह रहा कि मेरी फिल्म बेहतर है या वो बुरी. आई एम जस्ट सेइंग वैरायटी या फ्रीडम ऑफ चॉइस तो एक बुनियादी हक है. ऑफ फिल्म्स दैट वी आर मेकिंग एंड हैव वी शुड. कई फिल्में आपने भी आई एम श्योर देखी होंगी और देखी क्या होंगी. हम खुद कई दफा फिल्म टीवी का ऐसा हिस्सा रहे हैं अपने करियर में जब सब लवाजमात के होते हुए चीज में बस असर नहीं होता. सब कमर्शियल लवाजमात के बावजूद फिल्म बोर होती है. दो ढाई घंटे डांस भी आ गया, गाना भी आ गया, कॉमेडी भी आ गई, मजा नहीं आता. समटाइम्स कोई बिल्कुल ही एक सीधी सी चीज आती है और वो ठीक हो जाती है. वो एंजॉय करती है एकदम. लाइक यू नो आई गॉट टू सी वो, ऑल्दो सिनेमा में नहीं लगी थी वो, जो आपकी और सबा की वो एक फिल्म थी मूमल रानो. मूमल आई मीन लाइक एक्सेप्शनल फोटोग्राफी, एंगेजिंग स्टोरी. ना उसमें आप बाकी कौन से लवाजमात नहीं है. कैमरा है, रंग है, अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी कहानी है. तो आई डू फील के अभी इस फिल्म के साथ भी जो बार बार एक नथी किया जाती है ना चीज़ के, ओ ये तो बड़ी डिफरेंट. डिफरेंट इसलिए नहीं है कि मुझे डिफरेंट बनाना है, डिफरेंट इसलिए है कि हर कहानी अपने अंदाज में बोलती है. हम बातचीत तो इंसानों की कर रहे हैं. इट्स मेरा अंदाज यूजुअली रियलिस्टिक रहता है अनलेस कि मैं कुछ बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो उसमें उसका मूड, उसका टोन, लवाजमात के हवाले से म्यूज़िक भी है, एक्टिंग भी है, अंदरून शहर और वो लाहौर और वो सर्दियाँ लाहौर की फेस्टिविटीज़ जो हमारे मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, सब कुछ नज़र आएगा. लेकिन यस आई अगर वो वाली फिल्म है जिसमें मैं कहूँ कि सिर्फ कॉमेडी है तो ये वो नहीं है. ये वो नहीं है. अच्छा वो बात यूर राइट इन द वे कि हम लोगों ने एक वो माइंडसेट बन गया हुआ है क्योंकि जब ट्रेलर और प्रोमो आते हैं तो उसी से ही हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फिल्म थोड़ी सीरियस होगी, ये फिल्म इशू बेस्ड है, ये वाली कॉमेडी है, ये एक रोमांटिक फिल्म है. सो व्हेन वी सॉ मे बी आई थिंक पीपल आर स्टडी इन अ वे फिल्म के बारे में उनका एक बॉक्स में जेन बैठ गया हुआ है. सो दे टेक इट एज लाइक दैट कि यार एक सीरियस फिल्म लग रही है ना. इस तरह भी होता है. अरे सुनते देखें इतने सारे लोग मिलके आप मतलब तकरीबन आई थिंक हमारा एक ही टाइम का है करियर ऑलमोस्ट. नहीं मैं जूनियर सीनियर नहीं बनना चाह रहा बिल्कुल भी यहाँ पे. आई एम जस्ट सेइंग जो इतने अरसे में आपको भी पता है कि एक मिनिमम यूनिट कितने लोगों का होता है. मतलब तो फिल्म में 70-80-100-150 लोग 150 लोग मिलके इतना वक्त पैसा लगा के अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो जब लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना कि अच्छा तो कोई मैसेज था कोई आपने भाई इतने लंबे दौरानिए के किसी भी नैरेटिव के अंदर मैसेज क्यों नहीं होगा. कैसे हो सकता है कि मैं ढाई घंटे सिर्फ मैं कहूँ मैं कोई बात नहीं कर रहा. और वो बात ज़रूरी नहीं है कि डायलॉग में शोर मचा के की जाए, सटलिटी के साथ, कभी म्यूज़िक में, कभी लोगों के अदाकारी के अंदाज में. ठीक है. सो आई डू फील के फिल्म इज़ अ वेरी इवॉल्व्ड मीडियम, टीवी टू एट दैट, यू नो. और कोई भी ये नहीं कह सकता, हाँ कोई कॉमेडी भी अगर बना रहा है आई एम श्योर उसमें बात होती. आई थिंक नामालूम अफराद वॉज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ शोर जो सिनेमा पैसे भी बनाए जिसने कमर्शियल भी हो उस तरह से. वही मैं बोल रहा हूँ लेकिन अब मैं खाली उसको कमर्शियल नहीं कहना. लेकिन वो उसका एक बात भी थी, वो कमर्शियल के नाम पे कोई ब्लैंड फिल्म नहीं थी. बट सो लाइकवाइज श्योर इस फिल्म का मिजाज वैसा नहीं है लेकिन एक रियल कहानी है. उस रियल कहानी में हंसी भी आती है. ठीक है जबरदस्त. क्या क्या होता है मानो बहुत चीजों के बारे में कहां से शुरू करूं. आई थिंक बेसिक जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में. अच्छा एक बाप और बेटी की रिलेशनशिप के बारे में, एक शोहर और बीवी की रिलेशनशिप के बारे में, पड़ोसियों दोस्तों. आपको शायद फिल्म में रोना भी आए, हंसी भी आए, गुस्सा भी चढ़े मेरे पे चढ़ेगा, होपफुली नॉट, तरस भी आएगा मेरे पे. आई थिंक मुझे समझ नहीं आती जब मुझसे लोग पूछते हैं ना, एक तो मेरी पहली फिल्म है कि फिल्म के बारे में मुझे डर लगता है कि मैं शायद Have you seen it? You've dubbed it? जी जी, I've seen it. Have you seen the whole film? I haven't seen the final. Okay, it's like original sound, lovely. So what, when you saw it, तो क्या फील हुआ फिल्म देखने के बाद? मुझे नहीं लगा था कि इतनी खूबसूरत होगी. अच्छा, expectation low रखी? नहीं, बिल्कुल low नहीं रखी थी. कहानी तो जब मैंने कहानी, मुझे बड़ा डर लगा था, मैं ऑडिशन ही नहीं भेज रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अच्छा नहीं मैं नहीं रेडी, और ऊपर से सरमद के साथ मुझे वैसे ही बहुत वो था. बट वो मेरे प्रीकंसीव्ड नोशन थे. लेकिन जब मैंने ऑडिशन भेज दिया और फिर जब मुझे स्क्रिप्ट
मिली और मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैं स्क्रिप्ट के आखिरी पेज पे पहुंची और जब मैंने वो आखिरी पेज पर पढ़ा और आखिरी पेज पर आई थिंक आखिरी वाला ही सीन लिखा हुआ था और मैंने कहा था कि मैं अपने आप को जूते मारती अगर मैं ये ऑडिशन ना भेजती। अच्छा, कहानी तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन विजुअली इतनी वो खूबसूरत है। वाओ, और 12 रबीउल अव्वल के दौरान बनी हुई है तो इट्स ओल्ड लाहौर इन ऑल इट्स ग्लोरी। हां, ओके, लवली। अच्छा, सबत कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई कि अभी आपने लेटर लिख दिया पीएम को और फिर उससे पहले किसी ने बोला कि हमें फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, क्या ये सब? ऐसे पता नहीं, मुझे लगता है हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। हम हकीकत से उतना नहीं डरते जितना आर्ट से डरते हैं। क्या वजह है? आर्ट के बारे में हम वही बात है कि यू कैन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लाइकवाइज, श्योर, अ ट्रेलर इज मेंट टू कम्युनिकेट समथिंग, अ ट्रेलर इज मेंट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स, बट ऑल्सो आई फील इवन हॉलीवुड में अभी शुरू हो गया, ट्रेलर एक समरी की तरह बनने लग गए हैं जो फिल्म रिवील ही कर देते हैं, सब बता दिया। क्योंकि वो बैंक कर रहे होते हैं स्पेशल इफेक्ट्स पे, स्केल पे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्पाइडरमैन सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि एंड में क्या होना है, सो यू नो हीरो ही जीतेगा। तो यू नो आई थिंक वो उनके पास वो वाले दूसरी चीजें हैं अट्रैक्ट करने के। इधर वही था कि चूंकि एक हर तरह के लेवल पे बात की हुई, जैसा ईमान ने कहा, वो पर्सनल भी है, वो सोशल भी है, वो बहुत से मामलात में पॉलिटिकल भी है। फिर ये क्या बात हुई हमारे खुसूसन पाकिस्तान में, आप देखिए रिलीजन हमारे अपनी जिंदगियों का, कल्चर का कितना बड़ा हिस्सा है। आप जब किसी को खाते पीते, उठते बैठते, सोते, दोस्तों से मिलते दिखाएंगे तो उसका आप जिंदगी का जो एक रूटीन है रिलीजन के हवाले से वो भी नजर आएगा। बिल्कुल, समहाउ व्हाटएवर एक मिसकंसेप्शन ये बन गई। और पहली दफ़ा फिर मैं ये अभी तक मैंने कहीं इतना खुल के इसलिए नहीं बोला कि बस मुझे पहले लग रहा था चाहिए क्यों बात हुई, हमने वो भी कर लिया कि कोई जो एक जाहिरी किसी का जिस तरह वो नजर आता है हम उसको समझ लेते हैं, उसके साथ एक ही चीज अटैच है। अब वो हुआ कि जी चूंकि एक बियर्डेड आदमी की कहानी है तो लोगों को लगने लगे ओ ये तो कोई मौलवी साहब की कहानी है। अच्छा अच्छा, श्योर, तो मौलवी साहब की कहानी सुनाने में क्या बुराई है? हाँ। फिर फॉर द रिकॉर्ड मैं बताना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन कहानी है और अगर आपको बियर्डेड आदमी मौलवी लगता है एक अच्छे मौलवी की कहानी है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू यू नो डू विद दिस फिल्म। बट इन एनी केस वो जो भी उसके बारे में एक काम होता ना कि मैंने कोई बहुत ही अंडरग्राउंड रह के कोई चीज़ बनाई है और अब मैं कोई सीक्रेटली लोगों को उकसा रहा हूँ कि आप इसको देखें, नहीं। एज अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, जो जितने सिस्टम्स फॉलो करने होते हैं, और इसके बारे में मैं अगेन ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, देयर इज नोबडीज मनी इन इट, नोबडीज मनी। आई डिड नॉट गो टू एनी कॉर्पोरेट्स, आई डिड नॉट गो टू एनी चैनल, आई डिड नॉट गो टू एनी फाइनेंसियर, दिस इज माई मनी, आई मेड दिस फिल्म ऑन माई ओन। और मैंने फिर उसी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई सेंट इट टू सेंसर्स, ऑल थ्री सेंसर बोर्ड्स क्लियर्ड इट। छोटे मोटे, अब रियलिस्टिक फिल्म है, उसमें गुफ्तगु प्रेडोमिनेंट डायलॉग पंजाबी है फिल्म का, क्योंकि अंदरून की कहानी मुझे वो भी बड़ी वो कहते हैं ना केड़ होती थी हमेशा कि ये क्या बात हुई आप कैरिकेचर बना देते हैं जब आप रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। एक आपने पश्तून का कैरिकेचर बना दिया, पंजाबी का बना दिया, यू नो, और वो भी सॉरी वो इतना गलत उसको दिखाया, लटका लटका के उर्दू बोलने से तो पंजाबी तुम कहां जा रहे हो, ये right. दोनों पंजाब से हैं, इनका तो ऐसा पंजाबी का मतलब मैं अपनी बात हाँ नहीं मैं आई एम जस्ट सेइंग ईमान का कैरेक्टर जैसे वो कम बोलता है जो हमारे घर में जैसे होता था कि अम्मा अब आपस में पंजाबी और हमसे उर्दू में बात तो वो पंजाबी में जब आप गली मोहल्ले का कल्चर दिखाते हैं तो कुछ ऐसी गुफ्तगु कुछ स्लैंग वहां पे कुछ सेंसर्स के मसले थे जो मैंने एग्री किया कि श्योर हमारे पास तरीके हैं उसको डिलीट करने के, बीप करने के। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सेंसर बोर्ड्स ने क्लियर की, फिर उसके बाद दोबारा व्हाट एवर हु हैड अ प्रॉब्लम विद द ट्रेलर दे रोट टू द सेंसर बोर्ड्स, फिर दोबारा सेंसर ने उसको देखा, फिर क्लियर कर दिया, फिर एक दफा दोबारा कॉल आई एक और। नो बट हु आई मीन आई एम सॉरी आई वांट टू नो डिड समबडी एवर गेट इन टच विद यू थ्रू फॉर दिस थिंग कि ये क्या आपने बनाया, ऐसा कुछ हुआ? सो सेंसर बोर्ड पे डायरेक्टली लोग जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं जी, और सेंसर बोर्ड व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वही बात है। लेकिन फिर वही कि मैं खाली इदारों के नाम लेके मैं उनको भी नहीं पिन पॉइंट करना चाहता, मैं समझ मैं करना चाहते भी नहीं हूं, क्यों करेंगे आप? मैं तो उसी सिस्टम का हिस्सा हूं, तो वो आप आजकल सिर्फ ये सोचना कि आप तक ये बात कैसे पहुंच रही है या आपको कौन कह रहा है, आई मीन दैट्स नॉट अ बिग डील एनीमोर। सो हूएवर इज डूइंग व्हाटएवर, आई थिंक ए इट्स बेस्ड ऑन बायस, इट्स बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस एंड इट्स बेस्ड ऑन हेट्रेड। समर, डू यू थिंक जनरली मैं बात कर रहा हूं, Is this somebody, वो कहते हैं ना इनसाइड जॉब, या ये actually कोई ऐसे किसी ने? I don't know, ऐसे ना, again conspiracy theory से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है
कि नहीं हम कोई गलत रवैया सिर्फ किसी बाहर के इंसान से क्यों रिलेट करते हैं, हमारे अपने सारे रवैये ठीक और गलत नहीं हो सकते एक ही तरह से। क्योंकि मैंने भी आज एक हमारे दोस्त हैं अशफाक, वो उर्दू अखबार के लिखते हैं, ही इज इन लाहौर, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक पोस्ट लगाई हुई थी, उसकी पोस्ट मैंने देखी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि यहाँ तक बात, उन्होंने पोस्ट पर किसी की तस्वीर भी थी उसमें और पूरा लिखा हुआ था कि जी हम इसके खिलाफ मार्च करेंगे, फिर उन्होंने ये डिटेल लिखी कि जब किसी ने फिल्म देखी नहीं है, जब अभी स्क्रिप्ट बाहर नहीं है, कुछ भी, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? और अज्यूम आप कर रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे डाउट नहीं कर रहे, आप मेरे मुल्क के इदारों को डाउट कर रहे हैं कि उन्होंने सेंसरशिप, मतलब कोई बात है, कोई मतलब मजाक का काम है कि एक जगह पे इतने बड़ी सतह के ऊपर एक दफ्तर बना हुआ है और तीन दफ्तर हैं, फेडरल में, पंजाब में और सिंध में, तीन बोर्ड्स हैं और एक बोर्ड देखता है बैठ के, अगर इतने लोगों ने तीन दफ़ा नहीं जो कि बुनियादी वो था, पांच छः दफ़ा फिल्म देख ली है, जो जो कुछ उसमें से उनको लग रहा था हल्का, और फिर वही बात, ऐसा कुछ था नहीं उसमें टू बिगिन विद, मैं ये कहूँ कि मेरी फिल्म में से बहुत कुछ काटा गया नहीं। क्योंकि क्यों मैं क्यों एक गैर जिम्मेदारी के साथ एज एन आर्टिस्ट ऐसी बात करूँ जिससे मकसद हो किसी को मुतनफर करना या किसी के ऊपर पिन पॉइंट करना। सही, एक माशरे की कहानी है, एक हमारी कहानी है, उसमें हर तरह की बात होगी, और मुझे लगता है कि जहाँ आर्टिस्ट का काम है अपनी आर्ट को डिस्प्ले करना या दिखाना, उधर उसको तमीज़ सीखने की भी ज़रूरत है। तो मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं बात करने से पहले बात करने की तमीज़ पे काम करता हूँ यार, काश कि मेरा बहुत से लोग ऐसा सोचे कि अंदाज के, ये फिल्म, मतलब सिंपल चीज़ बताता हूँ, पंजाबी में फ्लुएंट नहीं हूँ, इस फिल्म का जब स्क्रिप्टिंग हो रही थी तो मैंने कहा ये पंजाबी है, मुझे एक्ट्रेस को पंजाबी मैंने डायरेक्ट नहीं कभी किया, फॉर सिक्स मंथ्स आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब टू स्टडी पंजाबी, ओके, लिखी भी कैसी नजर आती है, अच्छा, अच्छा। कैसे उसको आप पढ़ते कैसे हैं, स्क्रिप्ट के अंदर क्या वो फाइन अल्फाज की अदायगी क्या है, तो वहां मैंने कहा था ना डिटेल काम चल रहा है, मैंने सीन की कैसे हो सकता है कि जब आप एक काम जिसका नाम फाइन आर्ट है उसमें कोई फाइन बात नहीं होगी, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई टॉक शो, ये वाला टॉक शो नहीं, वो वाले टॉक शोज जो शोर मचाने वाले, मैं वो नहीं हूँ, तो मैं तो आर्ट बना रहा हूँ, तो वो ये भी मफरूजा कायम करना कि एक आर्टिस्ट इनसेंसिटिवली बात करता है, नहीं, वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता जो इनसेंसिटिवली बात कर, सही, मैं एक सेंसिटिव आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि एक इंसान, एक अच्छा इंसान विद कंपैशन विद एम्पैथी, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो फिर आगे आपकी पूरी पर्सनैलिटी उस तरह आप काम को भी लेकर चलते हैं। अच्छा, आपने ईमान, मुझे याद आया कि एक अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया था जाना या पता नहीं क्या किया था, वो क्या था कि लोग ये वाला सवाल करते हैं? नहीं नहीं, बस लोगों को बस होता है कि वापस जाते रहें जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी नहीं, बट यू डिड इट बिकॉज़ यू फेल्ट लाइक डूइंग इट, इट्स ओके, डिड इट अफेक्ट, एज इन कोई उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव इफेक्ट, हां, अगर ना भी हुआ हो, हुआ ये था कि लॉट ऑफ द अदर वुमेन दे आल्सो बैक्ड आउट फ्रॉम द अवार्ड्स, और ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट मेरे लिए ये हुआ कि वंस यू पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड यू, आप लोगों को बताते हो कि यू आर एक्चुअली सपोर्टिव ऑफ दिस कॉज, और जो भी, अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्टेड एंड गर्ल्स स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग मी फॉर हेल्प, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गाइडेंस के लिए, मैं तो गाइड नहीं कर सकती बट आई नो पीपल, तो मैं उनको उधर डायरेक्ट करती हूँ, तो सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज, जो भी, तो मुझे अभी भी बहुत कभी कभी इट अफेक्ट्स मी कहानियाँ सुन के, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, विच इज अ बिट सेल्फिश ऑन माई पार्ट, लेकिन कहानियाँ मतलब जो स्क्रिप्ट आते हैं, नहीं फिर लोग जो बता रहे होते हैं अपनी कहानियाँ, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि हर किसी को जिस तरह भी हेल्प की जाए या रिस्पॉन्ड किया जाए। मैं ऐड समथिंग, ऐसे एक और चीज को पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, आई थिंक वो मैं आजकल वो जिस उसमें से जो एक बन जाता है ना, आप कहते हैं यार मतलब ये क्यों, मतलब कुछ चीज़ें इतनी बुनियादी हैं और वो बुनियादी तौर पे उनको बस सही होना चाहिए था, वो बुनियादें कैसे गलत हो गई। आई ऑल्सो फील एवरीथिंग इन दिस डे एंड एज इज अबाउट एन इमीडिएट रिजल्ट, एन इमीडिएट रिजल्ट इन रियली ओवर सिंप्लीफाइड मेजर्स लाइक हाउ मेनी लाइक्स एंड हाउ मेनी फॉलोअर्स, यू नो, लाइक मुझे लगता है कि आप कंट्रीब्यूशन करने से पहले किसी भी चीज में आप ये सोचना शुरू करते थे रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्दो वी फेल टू रियलाइज कि बहुत सी चीजें तो सिर्फ आपको करनी है, बिल्कुल सही, और रिजल्ट अभी नहीं आएगा, स्लोली आ जाएगा, लाइक आई एम जस्ट सेइंग श्योर, मैं और अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, बट अगर उसको
पर्सन एक्स को लगा कि मुझे इस वक्त ये काम करना है और उसमें कुछ बुनियादी गलतियाँ नहीं है कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी के राइट को नहीं सल्व कर रहा, तो अगर उसको जो करना है वो तमीज़ से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली करता है, वो हर दफ़ा ये ना सोचे कि मुझे मिलेगा क्या इसमें से, उसका वो काम करना ज़रूरी है क्योंकि आपको खुद को भी तो सेटिस्फाई करना है किसी चीज़ से। एब्सोल्युटली। फिर वही बात, और हमें ये क्यों, वही बात है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, मतलब बुनियादी तकाजे बहुत सी चीज़ों के ऐसे हैं कि जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं। सही। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन फ़ौरन उससे कुछ, जैसा आपने कहा, जब लेगेसीज बनती हैं या आप एक आइकॉनिक कोई पर्सनालिटी बनते हैं, कुछ काम ऐसा करते हैं, तो उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। इंस्टेंट रिजल्ट सिर्फ ये ब्यूटिफाइड तस्वीरों पे आ सकते हैं। अच्छा, फैमिली की थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ बिफोर वी गो टू अ ब्रेक। व्हाट अबाउट योर फैमिली, लाइक इस काम में आने में आसानी हुई? डिड दे हेल्प यू? डिड दे सपोर्ट यू? आर दे सपोर्टिंग यू नाउ? मेरी फैमिली शुक्र अल्लाह का काफी सपोर्टिव थी। ठीक है। अभी भी हैं, कभी कभी डर लगता है क्योंकि मैं थोड़ी मुंह फाटू। अच्छा। तो कहते हैं सोच के बोला करो। लेकिन मेरी फैमिली भी इंडस्ट्री में से है, तो आई थिंक उनको एक अंदाजा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, जो भी होता है। Who in the industry? नय्यर कमाल is my pupo. अच्छा 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 अच्छा, I didn't know that. अब आप वॉच देखिए और अब नहीं, अब मैं सोच रहा हूं कि आंखें मिल रही हैं। हां, मिल रही हैं। यस। तो मेरी बाकी पुप्पो भी थी जब पीटीवी शुरू हुआ था, तब की बात है। ओके, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी, नीलम पुप्पो सब होते थे, तो वो उनको अंदाजा था, लेकिन उनको ये था कि एक जमाने में मैं बहुत काम करना शुरू हो गई थी, एंड इट स्टार्टेड अफेक्टिंग माय हेल्थ एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो तब भी परेशानी हुई थी कि इट्स नॉट वर्थ इट। कहते हैं बस अपने आप को संभाल के रखो तो सही है। अच्छा, कुछ प्लान करती हो कहीं जान, मतलब कहीं पे पहुंचने का फोकस को सोचा हुआ है या बस रैंडमली जो चीजें आती हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, कोई नहीं। टीचर बनने का शौक है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना, बड़े होके क्या बनना है, तो अभी सोचा नहीं कि बड़े होके क्या बनना है? नहीं, मैं वही थी, बड़े होके डॉक्टर बनना है। फिर फॉर सम रीजन मेरे अब्बू ने कहा रेसलर बन जाओ। अच्छा। मेरे दिमाग में अच्छा। था रेसलर बनना। उनको लगा होगा ये भी एक वो होगा ना, अब्बा ने देखा होगा ये मारती वाली अच्छा है, लड़ाका है, फाइटर पायलट बन जाओ, माइल्ड। हां, शी लुक्स लाइक वेरी माइल्ड एंड वेरी, बोलचाल जो है इसकी वो हमारा अगेन जोक होता था हमेशा कि हाँ ईमान माइक तो है लेकिन कुछ कुछ तो आवाज दिखा लो, क्योंकि वो वैसे मतलब एक वो जो धीमापन है इसकी पर्सनालिटी का, हाँ, वो बट है ऐसा ही है, ऐसा ही अपना अंदाज होता है और वो बहुत प्यारा और खूबसूरत अंदाज है। हाँ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।